नमस्कार। आज मैं आपको देसी तरीके से फ्राइड राइस बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ऐसे ही पसंद है, तो मैंने सोचा मैं आपको भी सिखा दूँ। इसके लिए मैंने एक बड़ा चम्मच से तेल लिया है, जीरा डाला है एक चम्मच, दो तेज पत्ते डाले हैं, दो छोटी इलायची, एक मोटी इलायची, चार लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, चार से पाँच काली मिर्च, और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा जीरा हमारा चटकने लगा है, इसमें हमने एक बड़ा प्याज काटा है वो डाल देंगे, और इसे ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई करेंगे। इसमें हमने एक शिमला मिर्च काटी है वो डाल रहे हैं, थोड़ी सी पत्ता गोभी, तीन से चार हरी मिर्चें, और इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे 1 से 2 मिनट। डाले हमने इसमें, अभी हमारी सब्जियां थोड़ी सी गल गई हैं, इसमें अब हम टमाटर डालेंगे। इसमें हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, आप चाहो तो इसमें पीस के भी टमाटर डाल सकते हो, लेकिन मेरे बच्चों को इसी तरह से पसंद है इसलिए मैं ऐसे ही डालती हूँ। और इसको थोड़ा सा गलने के बाद हम इसमें अब मसाले डालेंगे। इसमें हमने 1.5 चम्मच नमक डाला है, एक से डेढ़ बड़ा चम्मच हरा सूखा धनिया पिसा हुआ, और आधा चम्मच गरम मसाला, और आधी चम्मच इसमें देगी मिर्च। आप चाहो तो कोई भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। थोड़ा सा चलाने के बाद हमने 100 ग्राम पनीर लिया था, इन पनीर के टुकड़ों को हम फ्राई करके भी डाल सकते हैं और हम इन्हें ऐसे भी डाल सकते हैं। इसे मिक्स करने के बाद में हमने 1 ग्लास बॉइल्ड राइस लिए हैं, इसमें हम इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हमने इसमें गैस की आंच को बिल्कुल स्लो कर रखा है, ये चावल हमने अभी ही उबाले थे, ये अभी गर्म ही है। मिक्स करेंगे, अब हल्के हाथ से चलाएंगे, नहीं तो चावल टूट जाएंगे, फिर वो देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। चावल का कलर देखो कितना बढ़िया आया है। इसे मिक्स करने के बाद में इसमें हम आधा चम्मच किचन किंग और 2 चम्मच इसमें हमने टमाटो केचप डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो या मत डालो। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और 2 मिनट के लिए इन्हें हम ढक के रख देंगे। अब हम अपने चावलों को देख लेंगे, चावल तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं देखने में, और ये बिल्कुल तैयार हैं। हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से, और गैस को बंद कर देंगे, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राइस बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव दें। धन्यवाद।